फिर बदल गया। सुन लो, तेंदुआ का जो पैर होता है, हमने मान लिया छोटा वाला ना दिया लोगों को तेंदुआ। हम तो बता दिए डॉक्टरों से भी, लखनऊ की टीम से भी बात करके तेंदुआ बता दिए। किसी को खोजते हैं तो वहाँ से अपनी टीम को भेजते हैं, हमने बात कर ली है अपनी। अच्छा, ये एक मिनट, पहले क्लियर हो जाता कहाँ था, उन्होंने ये कहा पहले लोकेशन। डीएफओ साहब, ये क्लियर है आपका कि ये तेंदुआ ही है? ये तेंदुआ आप मान रहे हैं इसको सर? ये तेंदुआ आप मान रहे हैं या जंगली जानवर कुछ क्या है मान रहे हैं? हम मानेंगे तब जब हम देखेंगे। जी जी, लोग कह रहे हैं तेंदुआ है, स्टाफ ने किसी को देखा हो तेंदुआ है। जी, ये तो पक्का है कि कोई जानवर है। जी, तेंदुआ होगा या तेंदुआ से मिलता हुआ कोई जानवर होगा, मैंने अपनी आंख से नहीं देखा इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि तेंदुआ है। अच्छा, लेकिन अच्छा, लोग कह रहे हैं। अच्छा, पैरों, अभी पैरों के निशान से भी आपने देखा सर ना? आप वो हम देख लेते हैं, ये ऐसा है कि तेंदुआ है या कोई भी जानवर है। जी जी, उसके लिए हम लोग जो है कोई भी जानवर होगा उसको पकड़ने के लिए। अच्छा, अभी जैसे आज दूसरा दिन, पूरी रात आप लोगों ने या पूरा गाँव वालों ने भी मेहनत किया और कल से ये सब चल रहा है, तो क्या जिले से बाहर की भी कोई टीम के लिए आपने प्रयास किया? जैसे आ जाए लखनऊ बात किया है, कानपुर बात किया है, वहाँ पे जू है, कानपुर जू है, लखनऊ जू है जी, वहाँ स्पेशलाइज डॉक्टर्स हैं जी, और ट्रैंकुलाइजिंग गन उनके पास है, बेहोश करने की गन है जी, उससे बेहोश करके पिंजरा देखिए हमने मंगवा लिया है जी जी, पिंजरा और भी आ रहा है जी, हम अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं, लेकिन हमें अब समस्या है कि वो है कहाँ जी, उसकी ड्रोन कैमरा मंगा लिया है, ड्रोन कैमरे से उसकी लोकेशन ढूंढवा रहे हैं, कहीं एक जगह मिले, जब उसके पास पहुंचे तभी तो बेहोश कर पाएंगे, वो बंदूक चला के इंजेक्शन देके उसको बेहोश तभी कर पाएंगे जब उसके पास पहुंचेंगे, और वो पहले मिले तब पास पहुंचे, तो हम अभी उसको खोजने की कोशिश में है कि वो कहाँ है, यहाँ नहीं है तो हो सकता है वो कल भी अपने को सुरक्षित जाना चाह रहा था, भीड़ भाड़ की वजह से वो गिर गया था, वो कहीं से आया है, किसी को हमला नहीं किया है, जहाँ संयोग से गिर गया था तो हमला कर दिया, अदरवाइज वो सुरक्षित ही निकल के कहीं चला गया। हेलो, आसपास लोगों ने बताया जंगल भी है, नदी नाले भी हैं, तो कहाँ पे वो निकल जाएगा, वो किसी को अटैक करने की मूड में नहीं है, किसी जानवर को नहीं मारा, किसी आदमी को जान से नहीं मारा, जो उसके पास 2 मीटर के दायरे में गया उसको उसने पंजा मारा, तो अपनी सुरक्षा कर रहा है वो जानवर मैनीटर नहीं है, कैटल लिफ्टर नहीं है, कोई खतरनाक नहीं है, वो अपनी सुरक्षा में निकलता चला जा रहा है, और जहाँ सुरक्षित पा जाएगा निकल जाएगा, हम लोग भी उसको खोज रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक निषाद। कौन सा गांव है ये? सोनपुरा खपरा। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ में वो एक यादव जी थे, आगे वो थे और थोड़ा सा पीछे मैं था, तो अचानक 20 फीट दूरी से वो जंप करके यादव जी के ऊपर वार किया। कैसा था वो, कौन सा जानवर? वो है अपना तेंदुआ। हाँ, तेंदुआ टाइप में है वो, उसको चीता बोलते, क्या बोलते हैं वो, ये गोल गोल उसके ऊपर काला काला चिट्टा है। चिट्टा है। हाँ। तो आपके ऊपर अचानक हमला कर, उनके ऊपर हमला किया था, उनको पकड़ के घसीट रहा था जमीन के अंदर, फिर उसके ऊपर मैं लाठी उसके ऊपर चला दिया उनको बचाने के लिए, तो जैसे ही लाठी मैं उसके ऊपर लगाया और गिरा लाठी उसके ऊपर, वो जंप करके मेरे ऊपर आ गए। अच्छा, वार करके भाग गया? हाँ, वार करके मारते हुए, वार मार करते हुए इधर इधर पकड़ा है, इधर 12-13 टाके लगे हैं, इधर 14 टाके, और उसके बाद निकल गया वो मारते हुए। तो कोई सुविधा उविधा भी आपको मिला वहाँ? नहीं, सदर में गया था, सदर में इमरजेंसी वार्ड में गया, वहाँ टाका वगैरह लगा है, सब कुछ हुआ, मतलब दवा वगैरह, फिर आज आज सुबह गया वो अपना क्या बोलते हैं रेबिट का इंजेक्शन भी अभी लेकर के अभी आ रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम निषाद है। क्या है पूरा ये मामला? कल से ये सर विराट की तरह हमको दिखा है सर, इतना बड़ा मतलब ऊंचाई है और लंबा सर 5-6 फुट है सर। 5-6 फुट है जी सर। आपने आंखों से देखा था? जी सर, विराट की तरह उस पे मैं देखा है, थोड़ा काला सा एक भूरा सा है और थोड़ा ललछा भी है। ललछा भी है जी। अच्छा, जो मतलब गांव के कितने लोगों को लगभग ये घायल कर चुका है? 4 लोग क्लियर है सर। 4 लोग क्लियर है। हाँ सर। तो वन विभाग की टीम यहाँ आई? जी सर आई थी, उन लोग के सामने 2 लोग पे कैप्चर किया, उन लोग के सामने, वन विभाग की टीम के सामने जी सर 2 लोगों को, लेकिन उन लोग के साथ मतलब सर
उतना हथियार नहीं था। अच्छा अच्छा, उस समय सिर्फ दो लोग पहुंचे थे? हाँ, दो तीन लोग पहुंचे थे। पूरी रात क्या हुआ? रात में सर थे वो लोग, गोला वोला सब दगाए उगाए, मतलब देखभाल किए, अभी समय नहीं। गांव वाले भी जागते रहे लगभग? हाँ सर, रात भर। अच्छा, सुरक्षा के लिए बच्चों को घर में कि अभी चल रहे? अरे सर, रात में हम लोग सर ताला लगा के सोए थे कि बाहर थोड़ी थोड़ी छोड़े। अच्छा। जैसे मराड़ हम जो सोते थे वो सीधा पक्के और छत चले गए सोए। थोड़ा डर पैदा हो गई। यार मत निकालो ना, ईयरफोन दो ना यार। फोन से करेंगे? हाँ यार लगाओ ना। नेटवर्क ना दिखाओ तो चाहे डाले नहीं। कब दिखाए सर ये बताओ? अबे सब डाले ना, ये तो मैं थोड़ा देर आपको शांत रहने दे प्लीज। दोनों साथ मौजूद नहीं? अरे नहीं, हाँ यार घर पहुंच जाए तो हम बात करा दी। कैमरा थोड़ी है उनका, उन कैमरा वो हमरे ही है। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।